आपसे वायदा करता हूँ, कोई बात अगर असेंबली के अंदर मिल्लत के खिलाफ रहेगी तो उस ताकत के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला आपका भाई रहेगा। आपके उसका हक जो है अदा करने का काम मैं आपके लिए करूँगा इंशाअल्लाह ताला। भारतीय जनता पार्टी को इन फासिस्ट ताकतों को इक्तदार से रोकेंगे, सीट भी बचेगी और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत आवाज ऐवान के अंदर भेजने का काम आप करेंगे इंशाअल्लाह। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। के किस तरीके से पूरे रियासत भर में कर्नाटक में मुसलसल मुसलमानों के मुतालिक जो साजिशें हो रही हैं बीजेपी हुकूमत की जानिब से, उसका खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ रहा है। हमारी बच्चियों को लिबास के ताल्लुक से परेशान किया गया, हमारे बच्चों को तालीम के ताल्लुक से अब परेशान करने के लिए 2B रिजर्वेशन हटाया गया। ये तमाम तर जो हालात हैं उसके ताल्लुक से मुसलसल नासिर हुसैन उस्ताद साहब आवाज़ उठाते आए हैं। मिल्ली चाहे वो मसाइल हों, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मामला रहे, चाहे वो अलंद की दरगाह में पूजा करवाने का मामला रहे और उसके बाद जो हिरासत हुई लोगों की उनको छुड़ाने का मामला रहे, मुसलसल नासिर हुसैन उस्ताद साहब हर मामले में अपने आप को पेश रख के मिल्लत के तहफ़ के लिए, मिल्लत की बखा के लिए और हालात का सामना करने के लिए हमेशा सामने रहे हैं। इसी सिलसिले में आप लोगों से मुलाकात करके हालात से वाकफियत करवा के आप लोगों से आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन के ताल्लुक से बात करने के लिए आए हैं। मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब से बात करने के लिए गुजारिश करता हूं। हमको ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर हमको दो चीज़ें हैं। एक, सीट बचाने के नाम पर 5 साल पहले भी सीट बची है, मगर ये सोचना है, संजीदा तौर पर सोचना है कि इन 5 साल में कभी आपको महसूस हुआ है कि ये सीट हमारी है? NRC में महसूस हुआ कि ये हमारी है? कभी हिजाब के मामले में महसूस हुआ कि ये सीट हमारी है, हमने जिनको वोट डाला इन्होंने असेंबली में हमारे लिए बात किया है? कोविड में आपको कभी महसूस हुआ है कि इन 5 सालों के अंदर कभी ये खयादत जो 5,000 मुसलमानों को इफ्तार के वक्त गाड़ियां पकड़ रहे थे कि ये बाहर आकर के बात कर रही हैं, मुस्लिम कारोबारियों को मार्केट के अंदर ताजिरों को जो निकाल के भेजा गया 200-300 लोग मंडी वालों को, जिनको कारोबार करने से रोका गया पुलिस वालों को, कभी महसूस हुआ कि उन्होंने बात की है? अनंत का मामला आप देखते हैं, 165 लोग जेल जाते हैं, 10 खवातीन, कभी तारीख में हमारी खवातीन जो है जेल नहीं गई हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 1972 में देखे हैं, उससे पहले के देखे हैं, लोग फायरिंग हुई है, वो हुई है, जो होता है जेल जाते हैं आते हैं, ये तारीख में पहली बार मुस्लिम खवातीन को जेल को भेजा गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो हम लोग हैं, वो कमजोर खयादत। मैं आपके लिए जब तक जिंदा हूं आपकी आवाज बन के लड़ूंगा, आपके लिए ठहर रहा हूं, आपके लिए बात करूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में मजबूती के साथ मेरा साथ दीजिए। ये जो बात निकल रहे हैं बाहर, सीट बचाना इंशाअल्लाह ताला, मस्जिद अल्लाह के घर के बाहर ठहर के हम बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को इन फासिस्ट ताकतों को इक्तदार से रोकेंगे, सीट भी बचेगी और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत आवाज ऐवान के अंदर भेजने का काम आप करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जब तक हूँ आप ऐवान के अंदर भी आज देखते हैं किसी को करना नहीं आती, कोई करना में बात नहीं कर रहे। बहुत से मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर करना में बहस करना, आपका भाई करना जानता है, कनाडा के अंदर तकरीर जानता है, कनाडा को समझता है, इंग्लिश के अंदर भी मैं बड़े बड़े नेशनल चैनल्स के अंदर मैं डिबेट किया हूँ। आपसे वायदा करता हूँ, कोई बात अगर असेंबली के अंदर मिल्लत के खिलाफ रहेगी तो उस ताकत के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला आपका भाई रहेगा। आपके उसका हक जो है अदा करने का काम मैं आपके लिए करूँगा, तो आप तमाम लोग साथ देंगे मेरा? क्या साहब, हिम्मत से रहो, मैं ये इलेक्शन आप इंफरादी वोट है आप मत समझिए, आप ये मत समझिए कि आपका एक वोट आज यहाँ से मस्जिद के बाहर से आपको अहद करना होगा कि आप कम से कम 25-30 एक आदमी जलाएगा, जला सकते हैं इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए, मेरे एक आदमी की ताकत नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद की ताकत की बस की बात नहीं है। अगर आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे को हराने की कोई ताकत जो है गुलबर्गा में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया।